अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.3 में एक क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में k की वैल्यू फाइंड करनी है। पार्ट 1 है, सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2k है, तो a इक्वल आ जाएगा 2k। एक्स का कोफिशिएंट -3 है, तो b इक्वल आएगा -3, और जो कांस्टेंट टर्म है ये है 4k। C इक्वल टू 4k। देखें, सम ऑफ रूट्स इक्वल होता है -b/a। माइनस एज इट इज, b की वैल्यू -3 है ओवर a की वैल्यू 2k है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा 3/2k। सम ऑफ रूट्स इक्वल आ गया 3/2k। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल होता है C/a। C की वैल्यू है 4k ओवर a की वैल्यू 2k। ये k से k कैंसिल हो जाएगा, ये 4 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा 2। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब जो कंडीशन है, बाय गिवन कंडीशन कंडीशन के मुताबिक सम ऑफ रूट्स इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो इससे इक्वेशन बन जाएगी सम ऑफ रूट्स इक्वल टू, ट्वाइस का मतलब होता है 2, सम ऑफ रूट्स इक्वल 2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसमें वैल्यू पुट कर दें, सम ऑफ रूट्स है जी 3/2k इक्वल टू 2, प्रोडक्ट ऑफ रूट है 2। इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये 3 एज इट इज़, ये 2k इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, 2 2 4 4, जब 2k से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 8k। k की वैल्यू फाइंड करनी है, ये वाला 8 इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो k इक्वल आएगा 3/8। पार्ट 2 में सम ऑफ रूट्स इज 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ रूट है। अब हमने k फाइंड करना है। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3k माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 5k इक्वल टू 0। इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट 1 है, तो a इक्वल टू 1 आ जाएगा। एक्स का कोफिशेंट 3k माइनस 7, b इक्वल टू 3k माइनस 7, कॉन्स्टेंट टर्म 5k है, तो c इक्वल आ जाएगा 5k। सम ऑफ रूट्स इक्वल होता है -b/a इक्वल टू माइनस एज इट इज़, बी की वैल्यू है 3k माइनस 7 ओवर ए की वैल्यू 1। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा -3k प्लस 7। सम ऑफ रूट्स इक्वल आ गया -3k प्लस 7। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू C/a। सी की वैल्यू 5k ओवर ए की वैल्यू 1, तो ये आंसर आएगा 5k। अब बाय गिवन कंडीशन है कि सम ऑफ रूट्स इक्वल है 3/2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया, इसमें वैल्यू पुट कर लें। सम ऑफ रूट्स है -3k प्लस 7 इक्वल टू 3/2 एज इट इज, प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू है 5k। ये 2 इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, ये लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, 2 को मल्टीप्लाई करें इसके साथ तो ये आ जाएगा -2, -3 से मल्टीप्लाई होगा तो -6k, प्लस 2 7 से मल्टीप्लाई होगा 14, इक्वल इस 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें 15k। अब देखें, ये 15k इधर ही रखें, ये -6k राइट साइड पे आके प्लस हो जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा 14। ये 15 प्लस 6 ये आ जाएगा 21k इक्वल टू 14। हमें k की वैल्यू चाहिए, ये 21 जो है ये लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, k इक्वल आ जाएगा 14/21। इसको कैंसिल कर दें 7 से, तो k इक्वल आएगा 7 2 14 ओवर 7 3 21,
तो k की वैल्यू आ जाएगी 2/3। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।